हेलो स्टूडेंट्स बच्चों ये CUET सैंपल पेपर वन का डिस्कशन वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग टोटल फिफ्टी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर में क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है साइन पाई बाई थ्री साइन पाई बाई थ्री माइनस साइन इन माइनस वन बाई टू साइन पाई बाई थ्री माइनस साइन इन माइनस वन बाई टू बच्चों इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसके लिए क्या करेंगे साइन इन ये तो पाई बाई थ्री है यहाँ पे देखो साइन इन माइनस थीटा क्या होता है साइन इन थीटा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा साइन इन वन बाई टू साइन इन वन बाई टू क्या होता है सिक्सटी डिग्री तो ये हो गया साइन पाई बाई थ्री प्लस साइन पाई बाई सिक्स तो पाई बाई थ्री क्या हो गया थर्टी डिग्री पाई बाई सिक्स क्या हो गया पाई बाई थ्री हो गया सिक्सटी डिग्री एंड पाई बाई सिक्स क्या हो गया थर्टी डिग्री तो ये क्या हो जाएगा थर्टी प्लस सिक्सटी डिग्री नाइन्टी डिग्री तो साइन पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है वन तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा डी वन हो जाएगा ठीक है दिस इम्प्लाइज दैट डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू में इसमें क्या बोल रहा है द वैल्यू ऑफ के के का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है विच इज लेस देन जीरो फॉर विच द फंक्शन ये हमारे पास एक फंक्शन की है वन माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स वेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड वन बाई टू वेन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या बोल रहा है कि जो फंक्शन है ये जीरो पे कंटिन्यूअस है तो हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है ठीक है तो अगर ये फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस है तो हमें क्या करना है के का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे अगर ये देखो फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है तो क्या होता है उस पॉइंट पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एंड उस पॉइंट पर फंक्शन function का फंक्शनल वैल्यू सेम होता है तो जीरो पे तो फंक्शन कंटिन्यूस है इसका मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू जीरो पर फंक्शन का वन माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स ये तो हो गया फंक्शन का जीरो पर लिमिटिंग वैल्यू और जीरो पर फंक्शनल वैल्यू क्या गिवन है वन अपॉइंट टू ये किसके इक्वल हो जाएगा वन अपॉइंट टू के अब यहाँ पे लिमिट निकाल लो Limit x इसे क्या लिख सकते हो वन माइनस क्या लिख सकते हो टू साइन बाई टू ठीक है फिर हमने क्या किया के होल स्क्स बाई टू के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एंड वन अपॉन एक्स साइन एक्स को लिख दिया ठीक है अब यह बताओ इसका लिमिट क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर के एक्स बाई टू

वन बाई टू के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और के स्क्वायर बाई टू क्या होगा के स्क्वायर बाई टू बाहर आ जाएगा तो यहां से क्या मिलेगा हमें के भी कैंसिल हो रहा है क्या नहीं के कैंसिल के स्क्वायर बाई टू तो यहां से हमें क्या मिल रहा है यहां से इसको निकालो बाहर के स्क्वायर बाई टू को बाहर निकालो कॉन्स्टेंट है ना ये तो लिमिट से बाहर आ जाएगा और एक एक्स कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्सटैंड टूअर्स तो जीरो एक्स अपॉन साइन एक्स बच्चों ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है वन और ये किसके इक्वल है वन अपॉन टू के इक्वल है ये हमारा इक्वल है वन टू के। ये भी है वन अपॉन टू के इक्वल यहां भी वन अपॉन टू के इक्वल है तो फाइनली हमें क्या मिला फाइनली हमें मिला के स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू वन अपॉन टू तो के स्क्वायर क्या मिला फोर बाई टू फोर बाई टू क्या होगा टू तो यहाँ से के का वैल्यू हमें क्या मिला के इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू अच्छा ये ऑप्शन तो है नहीं कहीं प्लस माइनस रूट टू देख लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है एक बार देख लेता हूँ यहाँ से हो गया के एक्स स्क्वायर अपॉइंट टू वन अपॉइंट ठीक है यहाँ से ये यह टू को बाहर किया अच्छा ये हो गया फोर वन बाई टू अच्छा यहाँ पे मैंने के स्क्वायर बाई फोर लिखा है ना ये के स्क्वायर बाई टू होगा ये के स्क्वायर बाई टू यहाँ पे क्या होगा ये टू होगा तो यहाँ से आ जाएगा ये के स्क्वायर बाई टू टू वन बाई टू बाई टू तो टू बाई टू का मतलब क्या हुआ वन हुआ के स्क्वायर इज इक्वल टू वन इम्प्लाइज के इज इक्वल क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों क्वेश्चन में गिवन है कि इज लेस देन क्या हमारा लेस देन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के वेर लेस देन जीरो फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड तो के इज लेस देन जीरो तो इसका मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू लेना नहीं हमें तो के इज नॉट इक्वल टू वन दिस इम्प्लाइज देट के इज इक्वल टू माइनस वन तो देख लो माइनस वन कौन सा ऑप्शन है माइनस है बी ऑप्शन दिस इंप्लाइज रेड बी इज द करेक्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टू भी हो गया सॉल्व अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री में क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या गिवन है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू टू ऑर्डर कहकर स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे किया है ए आई जे इज इक्वस टू वन वेन आई इज़ नॉट इक्वस टू जे एंड ए आई जे इज़ इक्वस टू जीरो वेन आई इज़ इक्व टू जे और जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या की वन है टू बाई टू तो टू बाई टू ऑर्डर है इसका मतलब मैट्रिक्स क्या होगा ये ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू ऐसा ही होगा ना मैट्रिक्स और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब आई जे के इक्वल नहीं है तो फिर मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होगा वन के इक्वल होगा और जब आई जे के इक्वल है तो ज़ीरो के इक्वल होगा तो आई जे के इक्वल कब होता है डायगनल के एलिमेंट्स में मतलब ए वन वन और ए टू टू ये क्या हो जाएगा ज़ीरो और ए टू वन एंड ए वन टू क्या हो जाएगा वन तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा हमारा वन जीरो ज़ीरो वन ये बोल रहे हैं ना ए आई जे इज़ इक्वल टू वन मतलब डायगनल के एलिमेंट्स तो वन होगा और ये जो ऑफ डाइगनल एलिमेंट्स है ये क्या होगा जीरो तो ये तो हमें ये मैट्रिक्स मिल गया तो क्या बोल रहा है ए स्क्वायर निकालो तो एक्चुअल में जो ए मैट्रिक्स है वो तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ठीक है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स ए स्क्वायर क्या होगा आई स्क्वायर के इक्वल होगा आई स्क्वायर क्या होता है आई इसका मतलब क्या होगा ये ए स्क्वायर अगेन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा टू बाई टू ऑर्डर का देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर बच्चों ये इसमें है ना ये एक मैट्रिक्स होगा ठीक है डेटामिन की वन है बट ये होगा मैट्रिक्स देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज डी ठीक डी इज द करेक्ट ऑप्शन दिस डेट डी इज द करेक्ट ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन हो गया अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है द वैल्यू ऑफ के के का वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर विज दिस मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स गिवेन है टू बाई टू ऑर्डर का इज सिंगुलर मैट्रिक्स ये जो मैट्रिक्स है ना ए मैट्रिक्स ये हमारा एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या बोल रहा है कि के का वैल्यू फाइंड आउट करो अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका क्या मतलब है कि उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनाट है वो जीरो के इक्वल है ठीक तो ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स क्या गिवेन है के फोर एट टू के और ये कैसा मैट्रिक्स है एक सिंगुलर मैट्रिक्स है अब अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनांट क्या होगा बच्चों जीरो के इक्वल होगा हो इज अंगर मैट्रिक्स अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ऑफ ए जीरो के इक्वल होगा दिस इम्पलाइज डेट के फोर एट और टू के ये जीरो के इक्वल होगा अब ये तो टू बाई टू ऑर्डर का एक डेटा है इसे एक्सपैंड करना जानते हो क्या होगा डायगनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो टू के स्क्वायर माइनस थर्टी टू इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा टू के स्क्वायर इज इक्वल टू थर्टी टू दिस एम्प्लायज डेट के स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन दिस इम्प्लाइज डेट के इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है दिस एम्प्लाइज डेट सी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फाइव में आ जाओ क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू सॉरी फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय ये हमारे पास बच्चों एक फंक्शन गिवन है इज इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री वो इंटरवल फाइंड आउट करो जिसमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो ये जो गिवन फंक्शन है ना ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो सबसे पहले क्या करते हैं फंक्शन क्या हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स ये गिवन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स अगर हमें किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो एफ डेस एक्स क्या होगा टू एक्स माइनस फोर एज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ये क्या हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन ये जो हमारा है एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है अब अगर ये बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफडेस एक्स क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा टू एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो तो यहां से हमें क्या मिलेगा टू एक्स इज ग्रेटर देन फोर दिस एम्प्लाइज डेट एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू 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 इंफिनिटी देख लो कौन सा ऑप्शन है बी इज द करेक्ट ऑप्शन दिस एम्प्लाइज डेट बी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स में आ जाओ क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बोल रहे हैं मैट्रिक्स हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दे रखा है इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री थ्री ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है ठीक है एंड डिटमिनंट ऑफ ए डिटर्मिनट ए किसके इक्वल है फोर के इक्वल है यहाँ देख लो तो बोल रहा है डिटर्मिन ऑफ एट ज्वाइंट ए डिटर्मिन ऑफ एट ज्वाइंट ए निकालो सबसे पहली बात क्या है कि जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये ऑर्डर इसका क्या है ऑर्डर जो है थ्री के इक्ल है और डिटामिन ऑफ ए क्या गिवन है डिटामिन ऑफ ए फोर गिवन है देन हमें क्या फ़ाइंड आउट करना है हमें फ़ाइंड आउट करना है एट ज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का एट ज्वाइंट ये फाइंड आउट करना है तो बच्चों इसमें सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो ये यूज़ होगा कि एट ज्वाइंट ऑफ डिटामिन ऑफ एट ज्वाइंट ए किसके इक्वल होता है डिटामिन ऑफ ए पे पावर एन माइनस वन ये फॉर्मला यूज़ होगा ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑफ ए पे पावर एन माइनस वन वेर एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स वेर एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एन क्या है ऑफ द मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है ठीक है तो डिटर्मिन ऑफ एट ज्वाइंट ए क्या हो जाएगा बच्चों डिटर्मिन ऑफ एट ज्वाइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिन की वन है ऑर्डर तो थ्री है तो थ्री माइनस वन और डिटर्मिनाट ऑफ ए क्या गिवेन है फोर तो फोर पे पावर थ्री माइनस वन तो फोर स्क्वायर फोर स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है डी इज द करेक्ट ऑप्शन दिस इम्प्लाइज डेट डी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है ये क्वेश्चन नंबर सिक्स भी हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन में आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या बोल रहा है कि ए रिलेशन आर इन अ सेट ए हमारे पास एक सेट है गिवेन है वन टू थ्री इसमें रिलेशन आर दे रखा है इज डिफाइंड एज आर जो रिलेशन है वो किस तरह से डिफाइन किया गया है ऐसे ये देख लो मतलब कि जो रिलेशन है हमारा किस फॉर्म में है रोस्टर फॉर्म में मतलब वन वन से रिलेटेड है वन टू से रिलेटेड है टू टू से रिलेटेड है एंड थ्री थ्री से रिलेटेड है विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इन आर सेल बी रिमूव टू मेक इट एंड एक बैलेंस रिलेशन इन ई इसमें बोल रहा है क्या कि सबसे पहले बात है क्या कि हमारे पास जो जिस सेट पर रिलेशन डिफाइंड है वो है वन टू थ्री और रिलेशन क्या गिवेन है बच्चों रिलेशन गिवन है हमारा वन कामा वन वन कामा टू टू कामा टू एंड थ्री कॉमा थ्री बोल रहा है क्या कि इसमें से कौन सा ऑर्डर पेयर मैं रिमूव कर दूं कि ये रिलेशन क्या बन जाए एक इकोवैलेंस रिलेशन बन जाए ए में एक वैलेंस रिलेशन बन जाए कौन सा ऑर्डर पेयर रिमूव कर दूं तो बच्चों यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर मैं ये वन कॉमा टू इस ऑर्डर इस पेयर को हटा दूँ तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा रिफ्लेक्सिव बन जाएगा सेमेट्रिक भी बन जाएगा एज वेल एज ट्रांजेटिव बन जाएगा क्यों देखो वन कॉमा टू है ना और यहां पे टू कॉमा टू है ठीक है तो वन कॉमर टू फिर अगेन है ट्रांजेटिव के लिए ठीक है अब इसको तुम ऐसे देखो ये देखो टू कॉमा टू या फिर तुम ऐसे देखो अगर मैं ये वन कॉमा टू हटा दूं तो हमारे पास क्या बचेगा वन कामा वन टू कॉमा टू एंड थ्री कॉमा थ्री ये बचेगा तो बताओ ये इसमें तीन एलिमेंट्स है ना वन टू एंड थ्री और यहाँ पे जो हमारा तीनों एलिमेंट्स आपस में खुद से रिलेटेड है तो ये रिलेशन क्या बन गया एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया बन गया ना और ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कैसे सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है कि अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर है तो बी ए भी होना चाहिए देन बी ए होना चाहिए तो देख लो वन कामा वन है तो वन कामा वन भी है टू कामा टू है तो फिर टू कॉमा टू भी है तो सिमेट्रिक भी है इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया सिमेट्रिक भी हो गया और ये रिलेशन बच्चों ट्रांजेटिव भी हो गया क्यों ट्रांजेटिव हो गया बिकॉज ये ट्रांजेटिव के कंडीशन को सेटिस्फाई uh, कर रहा है ट्रांजेटिव में क्या बोलता है कि अगर ए बी रिलेशन के एलिमेंट है एंड बी सी रिलेशन का एलिमेंट है देन ए सी को भी होना है अगर ये दिख रहा है तुम्हें रिलेशन में ये भी दिख रहा है ए बी रिलेशन के एलिमेंट है बी सी रिलेशन के एलिमेंट है तो फिर ए सी को भी रिलेशन के एलिमेंट होना है यही बोल रहा है ना तो इसमें देख लो ये ट्रांजेटिव के कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है ऐसा तो कोई ऑर्डर पेयर बन ही रही नहीं बन ही नहीं रहा है ए बी और बी सी टाइप का ऑर्डर पेयर बन ही नहीं रहा है अगर ऐसा कोई ऑर्डर पेयर बनी मतलब ए बी रिलेशन के एलिमेंट हो बी सी भी हो और ए सी ना हो तब वो रिलेशन हमारा ट्रांजेटिव नहीं होगा ना बट ए बी और बी सी टाइप का कोई ऑर्डर पेयर बन ही नहीं रहा है इसका मतलब रिलेशन क्या हमारा ट्रांजेटिव है तो ऑन द होल ये रिलेशन क्या बन गया हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया तो हमने कौन सा ऑर्डर पेयर हटाया जिससे ये रिलेशन हमारा इक्वैलेंस हो गया वन कॉमर टू तो देख लो वन कॉमर टू है ऑप्शन में वन कॉमर टू बी इज द करेक्ट ऑप्शन दिस इंप्लाइज डेट बी इज द करेक्ट ऑप्शन अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर एट में क्वेश्चन नंबर एट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर एट में क्या है? हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक टू बाई टू ऑर्डर मैट्रिक्स है राइट हैंड साइड में भी टू बाई टू ऑर्डर मैट्रिक्स है और हमें क्या बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू डी का वैल्यू निकालो तो देखो टू ए प्लस बी फाइव सी माइनस डी ए माइनस टू बी फोर सी प्लस थ्री डी ये टू बाई टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है और यहाँ पे क्या है फोर एलेवन माइनस थ्री और ट्वेंटी फोर ठीक है ये गिवन है और हमें क्या बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू डी का वैल्यू निकालो कहने का मतलब है क्या कि हमें ए बी सी डी का वैल्यू निकालना होगा तभी तो हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू डी ठीक है तो ए बी सी डी का वैल्यू कैसे मिलेगा क्रॉसबॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दो टू ए प्लस बी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना तो क्रॉसबॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे तो इक्वेट करो टू ए प्लस बी किसके इक्वल होगा फोर के फिर यहां से क्या होगा ए माइनस टू बी किसकेक्वल होगा माइनस थ्री के फिर फाइव सी माइनस डी किसके इक्वल होगा एलेवन के एंड ये फोर सी प्लस थ्री डी इक्वल होगा ट्वेंटी फोर के अब ये चार इक्वेशन मिल गए और चार वेरिएबल है ए बी सी डी फाइंड आउट हो जाएगा निकल जाएगा अब यहाँ पे देखो इस दो को पहले ये देखो टू ए प्लस बी हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले टू ए प्लस बी और ए माइनस टू बी यहाँ से ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या किया हमने टू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू फोर और ये जो इक्वेशन है ना इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया टू ए माइनस फोर बी इज़ इक्वल टू सिक्स कर दिया ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया ये क्या हो गया फाइव बी इज़ इक्वल टू फोर माइनस सिक्स माइनस टू तो यहाँ से हमें क्या मिल गया बी इज़ इक्वल टू माइनस टू बाई फाइव यहाँ पे कैलकुलेसन मिस्टेक हो रही है बच्चों यहाँ पे ये माइनस थ्री के इक्वल है ना तो ये माइनस सिक्स होगा तो ये प्लस हो जाएगा तो सिक्स प्लस फोर ये क्या हो जाएगा टेन यहाँ पे आ जाएगा टेन तो यहाँ से हमें बी का वैल्यू क्या मिला बी इज इक्वल टू टू अब ये बी इज इक्वल टू टू किसी भी एक इक्विजन में डाल दो तो ए का वैल्यू मिल जाएगा हमने टू ए प्लस बी में डाला टू ए प्लस बी और बी की जगह क्या डाला टू इज इक्वल टू फोर तो यहाँ से हमें क्या मिल गया टू इज इक्वल टू टू दिस इम्प्लाइज डेट ए इज इक्वल टू वन ए और बी का वैल्यू निकल गया फर्स्ट टू इक्वेजन से इस दो इक्वेजन से हमने ए और बी का वैल्यू निकाल लिया अब इस दो इक्वेजन से क्या करेंगे सी एंड डी का वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए तुम ऐसे करो कि इसको ना तुम थ्री से मल्टीप्लाई कर दो तो थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा फिफ्टीन सी माइनस थ्री डी इज़ इक्वस टू थर्टी थ्री और ये क्या हमारे पास है फोर सी प्लस थ्री डी इज इक्वस टू ट्वेंटी फोर जस्ट ऐड कर दो तो डी कैंसिल हो जाएगा ये फिफ्टीन प्लस फोर क्या आ जाएगा नाइनटीन सी इज़ इक्व टू फिफ्टी सेवन तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या मिला हमें थ्री किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो सी का वैल्यू तो फिफ्टीन फर्स्ट में हमने इधर डाला फिफ्टीन इंटू सी की जगह क्या डाला थ्री माइनस थ्री डी इज इक्व टू थर्टी थ्री तो यहां से क्या मिल गया फोर्टी फाइव माइनस थर्टी थ्री इज इक्वल टू थ्री डी तो थ्री डी इज इक्वल टू तो डी इज इक्वल टू फोर बच्चों ए का वैल्यू क्या मिला हमें वन बी इज इक्वल टू टू सी इज इक्वल टू थ्री एंड डी इज इक्वल टू फोर हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू डी ए इज इक्वल्स टू वन बी इज इक्वल टू टू सी इज इक्वल टू थ्री प्लस डी टू इन टू डी डी इज इक्वल टू फोर तो ये क्या हो जाएगा थ्री प्लस टू फाइव सिक्स प्लस एट सिक्स एट इज फोर्टीन देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें बच्चों यहाँ पे ना ये फोर्टीन होगा ये जो फोर लिखा है ना ये फोर्टीन होगा ठीक है सी इज द करेक्ट ऑप्शन क्लियर है अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर एट भी सॉल्व अब आते क्वेश्चन नंबर नाइन में क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या बोल रहा है बच्चों कि हमारे पास एफ एक्स क्या गिवन है एफ एक्स इज एक वर्ष एक फंक्शन गिवन है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वेर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो ठीक है ज फाइंड अ पॉइंट विच इज नॉर्मल टू द कर्व फाइंड द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व हमें वो फाइंड ये वो पॉइंट फाइंड आउट करना है इस कर्व के ऊपर हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कहने का क्या मतलब है बच्चों की हमारे पास ये जो कर्व है ना इस कर्व के ऊपर हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो वो नॉर्मल इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो जाए समझ में आए क्या बोला फिर से सुनो हमारे पास एक कर्व गिवन है ये कर्व है इस कर्व के ऊपर हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो जाए ठीक है एजूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये कर्व है इस पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया और ये लाइन है ये लाइन हमारा ये कर्व क्या है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ये कर्व है और ये हमारे पास है लाइन थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो और यही हमें पॉइंट पी फाइंड आउट करना है पी पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया इस कर्व के ऊपर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के ऊपर तो इस लाइन पे क्या हो जाए बच्चों परपेंडिकुलर हो जाए तो हमने मान लिया कि लेट एल्फा बीटा बी द पॉइंट लेट एल्फा बीटा बी द पॉइंट हमने मान लिया कि अल्फ़ा बीटा हमारा पॉइंट है ठीक है सबसे पहले बात कि अल्फ़ा बीटा अगर इस कर्व के ऊपर पॉइंट है तो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा ठीक है तो क्या हो जाएगा एक्स की जगह अल्फा डाला तो क्या मिलेगा हमें अल्फा प्लस वन अपॉन एल्फ़ा और वाई की जगह क्या डालेंगे बीटा ये रिलेशन आ गया उसके बाद बच्चों क्या करेंगे जो कर्व है ना उसको हमने लिया उसका डेरीवेटिव तो डेरीवेटिव यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा वन वन माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर ये क्या होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है ठीक है अब यहां पे हमने निकाला एफ डैस एल्फा वन माइनस वन अपॉन एल्फा स्क्वायर ठीक है तो ये क्या हो गया एल्फा स्क्वायर माइनस वन अपॉन एल्फा स्क्वायर बच्चों ये क्या मिला ये तो मिला ना स्लोप ऑफ देंट ये तो टेंजेंट का स्लोप मिला एट पी अल्फा बीटा अल्फा बीटा पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप मिला हमें क्या चाहिए हमें तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट अल्फा बीटा टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल लो फिर उसे क्या करो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस एल्फा स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर माइनस वन ठीक है अब हमारे पास ये क्या है स्लोप ऑफ द नॉर्मल ये हमारे पास स्लोप ऑफ द नॉर्मल स्लोप ऑफ द नॉर्मल अब बच्चों पॉइंट क्या हमारे पास लाइन क्या गिवन है लाइन गिवन है हमारे पास थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस सेवन इज इक्व टू जीरो इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करते हैं थ्री एक्स माइनस सेवन इज इक्व टू फोर वाई तो यहाँ से वाई क्या हो गया थ्री बाई फोर एक्स माइनस सेवन बाई फोर तो लाइन का स्लोप क्या मिला थ्री बाई फोर और नॉर्मल का स्लोप क्या मिला माइनस एल्फाइ स्क्वायर अपॉन एल्फाई स्क्वायर माइनस वन और हमें पता है कि जो नॉर्मल है वो क्या है लाइन परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल का स्लोप और लाइन का स्लोप इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों माइनस वन यही होगा ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नॉर्मल का स्लोप है माइनस एल्फा स्क्वायर अपॉन एल्फाइ स्क्वायर माइनस वन और लाइन का स्लोप है थ्री बाई फोर ये किसके इक्वल हो जाएगा माइनस वन के तो यहाँ से क्या होगा ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया तो एल्फा स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर माइनस वन ये किसके इक्वल हो जाएगा फोर बाई थ्री के अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो फोर एल्फाई स्क्वायर माइनस फोर इज टू थ्री स्क्वायर तो ये क्या हो गया एल्फाई स्क्वायर इज टू फोर दिस इम्पलाइज डेट एल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस टू एल्फ़ा के दो वैल्यूज़ आए इसका क्या मतलब है इसका यह मतलब है कि कर्व के ऊपर ऐसा एक पॉइंट नहीं है कर्व के ऊपर ऐसे दो पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो वो नॉर्मल इस लाइन परपेंडिकुलर होगा ठीक है दो पॉइंट्स हैं तो एक, एक करके निकालते दोनों पॉइंट्स सबसे पहले हमारे पास क्या वन है बीटा इज इक्वस टू तो एल्फा प्लस वन अपॉन एल्फा यहाँ पर हमने लिया वेन एल्फा इज़ इक्व टू तो तो टू तो बीटा का वैल्यू क्या मिल गया बच्चों बीटा का वैल्यू मिल गया टू प्लस वन अपॉइंट टू तो ये क्या हो गया फाइव बाई टू तो पहला पॉइंट क्या आ गया टू कॉमा फाइव बाई टू फिर हमने लिया वेन इज इक्वल टू माइनस टू तो बीटा क्या हो गया माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू माइनस टू माइनस वन बाई टू माइनस फाइव बाई टू तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया माइनस टू कॉमा माइनस फाइव बाई टू ये दो पॉइंट्स आ गए ना ये दोनों पॉइंट्स को अगर तुम सेमल्टेनियसली लिखोगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस टू और प्लस माइनस फाइव बाई टू देख लो ऐसा कोई पॉइंट आ रहा है क्या प्लस माइनस टू प्लस माइनस फाइव बाई टू बचो ऑप्शन में एक ही पॉइंट की बेन है ये दो पॉइंट मिल गए ना टू कॉमा फाइव बाई टू और दूसरा पॉइंट क्या मिला माइनस टू कॉमा माइनस फाइव बाई टू बट ऑप्शन में एक ही किन है टू कॉमा फाइव बाई टू सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन ए क्या मिल गया हमारा करेक्ट ऑप्शन ये कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर नाइन अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टेन में क्वेश्चन नंबर टेन में क्या बोल रहा है कि साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है मान लेते हैं कि हम लोग लेट मान लेते हैं कि टेन इनवर्स एक्स को हम लोग मान लिया एल्फा तो यहां से क्या मिला हमें टैन एल्फा का वैल्यू क्या मिला एक्स एक ट्रायंगल बना लिया इसको हमने बोला अल्फा एक्स और ये क्या हो जाएगा वन तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर अब यहाँ से साइन अल्फा निकालो साइन अल्फा क्या होगा एक्स अपॉन रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर ये एल्फा की वैल्यू मिल गई और किसके इक्वल है एल्फा इक्वल है टेन इनवर्स एक्स के इसका मतलब क्या है कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल एक होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर वन प्लस इसके इक्वल और यहां पर क्या हमें क्या फाइंड आउट करना है साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पे साइन नहीं है टेन इनवर्स एक्स की जगह पे बच्चों लिख सकते हैं हम लोग साइन इन वर्स एक्स अपॉन रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो गया एक्स अपॉन रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर तो ऑप्शन क्या करेक्ट हुआ बच्चों हमारा डी इज द करेक्ट ऑप्शन दिस इंप्लाइज दैट डी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है बच्चों फर्स्ट टेन क्वेश्चन हो गए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगेन फर्स्ट टेन क्वेश्चन मीन्स इलेवन टू ट्वेंटी सॉल्व करेंगे थैंक यू वेरी मच